शेयर बाजार में जब आप अपना पैसा लगाते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना होता है कि आप कोई दमदार शेयर चुनें जो आपको भविष्य में अच्छा रिटर्न दे। फिलहाल भारतीय शेयर बाजार में उथल पुथल मची हुई है, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे शेयर हैं जो आपको शानदार रिटर्न देने का दमखम रखते हैं। इन शेयरों को मल्टीबैगर शेयर कहा जाता है। ऐसा ही एक शेयर है जिसने कम ही वक्त में अपने निवेशकों की चांदी कर दी। इस शेयर का नाम है JSW एनर्जी। इस शेयर ने इस साल जबरदस्त रिटर्न दिया। पिछले 6 महीने में इस शेयर ने 161% का रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में यह शेयर 388% का शानदार रिटर्न दे चुका है, तो वहीं इस साल अब तक यह शेयर 352% का जबरदस्त रिटर्न दे चुका है। पिछले 5 सालों में इस शेयर ने 431% का रिटर्न दिया। एक साल पहले इस शेयर का भाव 60 रुपए के करीब था, जो कि आज 302 रुपए हो गया है। जिन निवेशकों ने JSW एनर्जी में पैसा लगाया उनको निराशा हाथ नहीं लगी, लेकिन इन आंकड़ों से पता चलता है कि जितनी लंबी अवधि के लिए पैसा लगाया गया रिटर्न उतना ही बंपर रहा। यही वजह है कि शेयर बाजार में हमेशा लंबी अवधि के लिए ही निवेश की सलाह दी जाती है। अब हम आपको बताते हैं कि अगर किसी निवेशक ने इस शेयर में 1 लाख रुपए का निवेश किया होता तो वो आज कितने होते। अगर किसी ने 6 महीने पहले 1 लाख रुपए का निवेश किया होता तो वो आज 2,61,000 रुपए होते। एक साल पहले किसी ने इस शेयर में 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज उनकी कीमत 4,88,000 रुपए होती। ऐसे ही अगर किसी ने 5 साल पहले इस शेयर में 1 लाख रुपए लगाए होते तो वो आज 5,31,000 रुपए होते। साल दर साल ये शेयर निवेशकों के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी साबित हुआ है। JSW एनर्जी ने 810 मेगावाट पवन चक्की की आपूर्ति को लेकर GE रिन्यूएबल एनर्जी के साथ एक समझौता किया है। कंपनी ने कहा है कि 810 मेगावाट के तटवर्ती पवन चक्की की आपूर्ति देश भर में उसकी 2.5 गीगावाट रिन्यूएबल प्रोजेक्ट की अंडर कंस्ट्रक्शन पाइपलाइन के लिए की जाएगी। कंपनी ने साल 2030 तक 20 गीगावाट बिजली उत्पादन क्षमता तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। सितंबर तिमाही में कंपनी की आय में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। सितंबर तिमाही में कंपनी की आय सालाना आधार पर 12% बढ़कर 2,237 करोड़ रुपए रही। शॉर्ट टर्म बिक्री और दूसरे स्रोतों से आमदनी में बढ़ोतरी के कारण कंपनी के रेवेन्यू में ये उछाल देखने को मिला है। हालांकि इस तिमाही कंपनी का नेट प्रॉफिट 3.7% घटकर 339 करोड़ रुपए रहा। ब्रोकरेज हाउसेस के मुताबिक कंपनी के पास स्किल्ड कमीशनिंग और एसेट्स के ऑपरेशन का मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड है, हालांकि कॉम्पिटिशन ज्यादा है। ये कंपनी को मेजॉरिटी कोयले से मेजॉरिटी ग्रीन प्लेयर में बदलने में मदद करेगा। उम्मीद की जा रही है कि JSW एनर्जी अगले कुछ महीनों में अपने ग्रीन और ग्रे कारोबारों को पुनर्गठित करने का फैसला ले सकती है। ICICI सिक्योरिटीज ने इस शेयर पर अपने टारगेट को बढ़ाया है। ब्रोकर्स को लगता है कि अभी JSW एनर्जी में आगे जाने की गुंजाइश है। ऐसे में निवेशकों को आगे भी इस शेयर में अच्छी कमाई हो सकती है।